हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूक्रेन के बॉर्डरिंग कंट्रीज की। जैसा कि आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन में भीषण युद्ध अभी तक कंटिन्यू है और ये 3 महीने से ज्यादा पार हो चुका है। लेकिन मुझे आशा है, मुझे अभी भी उम्मीद है कि कई लोगों को अभी भी यूक्रेन के बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में नहीं पता होगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा है कि पहला बॉर्डरिंग कंट्रीज जो है वो है रशिया, जिससे इसका कॉन्फ्लिक्ट अभी तक कंटिन्यू है। उसके अलावा यदि आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो बेलारूस जो कि अभी रशिया के साथ है और इधर से जिसकी वजह से घिरा हुआ है यूक्रेन, वो है बेलारूस। तो रशिया का खुल के साथ जो दे रहा है वो है बेलारूस कंट्री, जो कि दूसरा बॉर्डरिंग कंट्रीज है। यदि इधर से आप देखें तो पोलैंड है, पोलैंड एक्चुअली यूक्रेन के साथ है और बहुत सारे आर्सेनल जो है यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो भेजे जा रहे हैं वो पोलैंड के ही बॉर्डर से यूक्रेन तक पहुंच रहे हैं। यदि आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है ये है स्लोवाकिया, जिसका जो भी बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन के साथ। यहाँ पर है हंगरी, हंगरी भी बॉर्डर शेयर करता है इसके साथ। और इधर है आदि आप देखें तो रोमानिया, रोमानिया भी बॉर्डर शेयर करता है। और ये जो एक आप छोटा सा देख रहे हैं ये है मोल्डोवा, मोल्डोवा भी यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और यदि आप ये देखें तो ये वाला जो एरिया है ये है सी ऑफ अजोव, ये है सी ऑफ अजोव जो कि रशिया को भी एक्सेस करता है और यूक्रेन को भी एक्सेस करता है। और ये वाला जो इलाका है ये है क्रीमिया पेनिनसुला, जिसको 2014 में रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया था। और ये पूरा इलाका जो है ये है ब्लैक सी। सो ब्लैक सी को बहुत रशिया और इधर से यूक्रेन दोनों ही एक्सेस करते हैं, लेकिन युद्ध के कारण यहाँ पर कुछ ओडेसा, मारियोपोल, बर्दियास्क और कुछ ऐसे जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है उन पर कब्जा कर लिया है रशिया ने, जिसकी वजह से यहाँ से जो पूरा इलाका है पूरा कट कर दिया है। और अभी इसको एक तरीके से लैंड लॉक्ड कंट्री, यानी कि जिसकी सीमा किसी भी तरीके से कोई भी सी से टच ना करती हो, ऐसी कंट्री अभी यूक्रेन को बना दिया है। सो खासकर जो एक्चुअली जो इनको सपोर्ट मिल पा रहा है वो पोलैंड के ही बॉर्डर से ज्यादातर मिल पा रहा है, क्योंकि ब्लैक सी में पूरा एक्सेस जो है रशिया ने काट दिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मैप के साथ।